यूपी एटीएस ने अवैध तरीके से असलहे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एटीएस ने प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 3 बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं, जो यहां आकर न सिर्फ अवैध असलहे बना रहे थे बल्कि दूसरे युवकों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे थे। जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नाम शायल आलम, मोहम्मद सरफराज आलम और मोहम्मद आजाद हैं। इसके अलावा गोरखपुर का रहने वाला तिरुपतिनाथ वर्मा, प्रतापगढ़ का स्वालीन अंसारी और अखलीन अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 300 कारतूस, 2 पिस्टल, 2 तमंचे, देसी कट्टे और 17 अवैध पिस्टल बरामद की हैं। ये गिरोह प्रतापगढ़ में असलहे बनाकर यूपी के विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था। इन लोगों के पास से बड़ी संख्या में अवैध कारतूस और अधबने असलहे बरामद किए गए हैं। आज थाना लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ पुलिस और एटीएस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एटीएस की सूचना पर एक अवैध असलहे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। यहां से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 2 पिस्टल, 2 तमंचे, 2 रिवॉल्वर और 17 अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए गए हैं। इनमें से लेंथ मशीनें, ड्रिल मशीनें और जो भी एक अवैध असलहे की फैक्ट्री के अंतर्गत व्यवस्था रहती है उसको निर्माण करने के उस सारे उपकरण बरामद किए गए हैं, जनरेटर बरामद किया गया है। और इस संदर्भ में जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें से मुख्य आरोपी सवालीन अंसारी है, जिसको बबलू के नाम से भी जाना जाता है, जो पिछले 4-5 सालों से इस अवैध असलहे की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो इसके लिंकेज भी चेक किए जा रहे हैं और इनके जो अन्य साथी हैं उनकी भी धरपकड़ जल्दी पुलिस करेगी। तो जैसे ये फैक्ट्री जो थी, ये सप्लाई चेन का भी मामला है, इसलिए ये तथ्य को चेक किया जाना ज़रूरी है कि ये फैक्ट्री यहीं पे एग्जिस्ट कर रही थी या इस सप्लाई हो रही थी। इन सारे बिंदुओं की पुलिस द्वारा तफ्तीश से जांच की जा रही है और आगे की जो भी विकास प्रक्रिया होगी आपको अवगत कराया जाएगा। क्या सर और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी अभियुक्तों से पूछताछ जारी है और निश्चित रूप से ये किसको सप्लाई करते थे और रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, इनमें से कुछ लोग अन्य शामिल जरूर होंगे, तो उसको भी पुलिस जल्दी ही पकड़ लेगी। सभी प्रतापगढ़ के अभियुक्त हैं कि कहीं और? कुछ प्रतापगढ़ के हैं, कुछ बाहर के हैं, उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 300 कारतूस बरामद हुए हैं। पड़ताल की जा रही है कि ये कहां से इन लोगों को मिले। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये गिरोह असले और कारतूस प्रदेश के किन किन जिलों और अन्य राज्यों में कहां कहां सप्लाई किए जाते थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।